ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सचिन। हिंदुस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि आप दोस्त को बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। हमारे देश का दुर्भाग्य यह है कि हमारा पड़ोसी एक आतंकी देश है और अब यही आतंकी पड़ोसी चुनाव के नाम पर पूरी दुनिया की आंख में धूल झोंक रहा है। कहने को पाकिस्तान में नई सरकार चुनने के लिए वोटिंग हो रही है लेकिन पर्दे के पीछे पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की बदनाम एजेंसी ISI इमरान खान का समर्थन कर रही है। नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम जेल में है। उनकी पार्टी को उम्मीद यही है कि जनता ने सहानुभूति के नाम पर उन्हें वोट दिया है। लोकतंत्र और चुनाव के नाम पर इससे बड़ा मजाक और क्या होगा कि मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद वोट डाल रहा है, खुले में घूम रहा है। 4-5 आतंकी संगठन है, उन्होंने चुनाव में उम्मीदवार उतारे हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान के चुनाव का हिंदुस्तान पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि अगर सेना हावी रहती है तो आतंक या फिर आतंकी चुनाव जीत करके फिर से पार्लियामेंट में आ जाएंगे और रिश्ते हो जाएंगे और खराब। तो सवाल यह है, अब की बार पाकिस्तान में क्या ये आतंकी सरकार? सवाल दो, पाकिस्तान में चुनाव या फिर लोकतंत्र का यह दिखावा है? पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं है, सिलेक्शन हो रहा साहब। फौज का मोहरा इसलिए इमरान के सिर सहरा। पाकिस्तान में आतंकी सरकार है, चुनाव के बाद वार ही करेगी। ताल ठोक के स्पेशल एडिशन की शुरुआत करें उससे पहले खास रिपोर्ट। ISI would have a political role as much as it would have in any elections. But to say that PTI is being supported is going against, you know, if you look around in the public, the only party that is growing massive crowds is PTI. We have Justice Siddiqui going on record and saying, well, everything is being tilted in favor of this this candidate, Imran. We have The Guardian writing about it as the dirtiest election in Pakistan's history. ISI puri tarah judicial proceedings ko manipulate karne mein involved hai. ISI ke log मुख्तलिफ जगह पहुंचकर अपनी मर्जी के बेंच बनवाते हैं, केसों की मार्किंग होती है। हाफिज सईद ये आतंकी है, आतंकी गिरोह चलाने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोकतंत्र को खतरा इन्हीं लोगों ने खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान में चुनाव हो चाहे ना हो तो उससे कोई मतलब नहीं, पाकिस्तान में हो रहे हैं, मेरे को तो नहीं लगता चुनाव का कोई मतलब है पाकिस्तान। तो इस पर बहस करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, शाहनवाज हुसैन जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अटल सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर जनरल रिटायर के सिन्हा, रक्षा विशेषज्ञ, करगिल युद्ध में कई मोर्चों पर कमान संभाल चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सिन्हा साहब आपका। अमित रैना जो कि प्रवक्ता है रूट्स इन कश्मीर के, कश्मीर में जाने माने एक्टिविस्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बाबर कादरी अलगाववादी नेता हैं, पेशे से वकील हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। माजिद हैदरी हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, पेशे से पत्रकार हैं और हमारे साथ पूर्व राजनयिक जेके त्रिपाठी स्टूडियो से मौजूद हैं। राजनीतिक विश्लेषक ललित अंबरदार भी मौजूद होंगे और पत्रकार से पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार मायद अली भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मायद अली साहब, मैं सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। सर, वोट डाल दिया, वोट डालाए होंगे आज आप? मायद अली जी, आवाज आ रही है? मेरा सवाल आपसे था या भारत से? मायद अली, आवाज आई? मायद अली कोई आवाज नहीं आई। ठीक है शाहनवाज हुसैन साहब, हम आपसे शुरू करते हैं। आपने पूरा कैंपेन देखा, आपने ये पूरा चुनाव देखा, आपने यहां पर इमरान खान को बोलते हुए पूरी उनकी रैलियां देखी जिसमें वो मोदी को भी अपना विलन बता रहे हैं, भारत को विलन बता रहे हैं, एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और ये साफ कहा भी जा रहा है कि साहब चुनाव तो एक बहाना है, ISI लड़वा रही है और बेसिकली देश यानी कि भारत जो है उनका निशाना है। तो ऐसे में सर वो तो क्लियर है, वो फर्म है, लेकिन हमने मुलाकात की, उससे पहले भी बस लेके गए, हमारी पॉलिसी क्लियर क्यों नहीं होती? सर वो तो क्लियर एंटी इंडिया है सर, उसके बाद भी वो ये रहेंगे। नहीं देखिए, पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र तो नाम का ही रहा है, कभी काम का लोकतंत्र नहीं रहा है और उस पर नियंत्रण हरदम
सेना की नज़र वहाँ के लोकतंत्र पर गिद्ध की तरह रही है। कभी भी अगर लोकतंत्र कहीं मजबूत होता हुआ दिखा तो सेना ने उसको गिद्ध की तरह उसको उठाकर ले जाने का काम किया। और ये सही है कि पाकिस्तान कहता है कि वहाँ हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पाकिस्तान कहता है कि वहाँ इलेक्शन कमीशन है, लेकिन सही में सब कुछ के पीछे ISI और वहाँ की आर्मी है। तो ये चुनाव वैसा ही है कि पूरी तरह फिक्स चुनाव लगता है, क्योंकि चुनाव में पोलिंग बूथ पर भी ये है ना शानवाजी, उनका तो फिक्स्ड अप्रोच है, लोग ही बैठे, उनका तो फिक्स्ड अप्रोच है। और भले यहाँ पर भले वहाँ पर जाया जाए, प्रधानमंत्री मोदी जाएं या फिर उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जाएं, उन्होंने तो करगिल ही करना है, उन्होंने एंटी इंडिया एजेंडा ही चलाना है, उन्होंने पाकिस्तान में शेलिंग ही करनी है, भारत को डिस्टर्ब भी करना है। जब वो फिक्स्ड है तो हम कन्फ्यूज क्यों है सर? नहीं, हम कन्फ्यूज नहीं है, हम तो चाहते हैं कि वहाँ डेमोक्रेसी हो, वहाँ लोकतंत्र हो। लोकतंत्र पूरे दुनिया में कहीं भी हो, भारत एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है, हम लोकतंत्र के पक्ष में रहते हैं। ये तो वहाँ की आवाम को तय करना है, वहाँ की जनता को तय करना है। आज उन्होंने वोट डाल भी दिया होगा और उस वोट में क्या नतीजे आएंगे वो उस मुल्क के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम तो पाकिस्तान को हर मोर्चे पर बेनकाब करते रहे, और ये भी सही है कि जो चुनाव के रिज़ल्ट आएंगे इस पर पूरी दुनिया की नज़र है, हमारी भी नज़र भारत की उस पर ज़रूर रहेगी। लेकिन जिस तरह का वहाँ माहौल दिख रहा है कि वहाँ एक रिटायर्ड जस्टिस भी कह रहे हैं कि ISI तय करती है कि जजमेंट क्या हो, तो वहाँ पर कुछ आतंकी हैं जो आतंकी का चोला अलग रख के वो चुनावी मैदान में कूदे हैं, और जरूर हमारी नजर होनी चाहिए। तस्वीर साफ बता देते हैं शानवाजी, आप कह रहे हैं कि हमारी भी नजर है, पूरी दुनिया की नजर है, इस तस्वीर ने ही उसे एक्सपोज कर दिया कि देखिए यहाँ पर आतंकी हाफिज सईद 26/11 हमले का आरोपी मोस्ट वांटेड टेररिस्ट वोट डालने जा सकता है और ऐसे अंगूठा दिखा सकता है। मुझे तो आज स्क्रीन पर ऐसे लगा कि वो अंगूठा कहना कहीं आपकी सरकार को दिखा रहा था, वो अंगूठा ये दिखा रहा था कि ट्रायल भले ही चलता रहेगा लेकिन वहां पर आतंकी खुले घूमते रहेंगे और हम उन्हें पना देते रहेंगे। त्रिपाठी साहब ठीक है, मैं इसको पॉलिटिकल डिबेट की तरफ आगे बाद में लेकर के जाऊंगा, ठीक है, मैं इसको पॉलिटिकल डिबेट की तरफ आगे बाद में लेकर जाऊंगा। लेकिन JK त्रिपाठी साहब, आपको लगता है कि पाकिस्तान को लेकर के अभी तक अपना रवैया जो है वो लच रहा है? एक बार फिर से ये इलेक्शन, जो कि इलेक्शन नहीं शायद एक मुखौटा है, सिलेक्शन है, वो एक बार फिर से साबित कर रहे हैं कि नहीं, हमें भी फॉर्म होना पड़ेगा, हमें भी फिक्स होना पड़ेगा, वरना वो आतंकी भेजेंगे। सर देखिए, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान को लेकर के हमारा इस गवर्नमेंट का या इसके पहले की गवर्नमेंट का रवैया कुछ लचर रहा है, क्योंकि देखिए सीधी बात यह है कि जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम अपने दोस्त को का चुनाव कर सकते हैं, पड़ोसी का नहीं, और हम ये नहीं कर सकते, पाकिस्तान को नकार नहीं सकते। पाकिस्तान के साथ डील करने के कई रास्ते हैं, लेकिन उस को जो भी रास्ता हम अपनाएं उसके साथ बातचीत का रास्ता हमेशा रहना चाहिए, और वो हमेशा रहा है। अब ये है कि अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं, या ये कहिए सही मायनों में जो सिलेक्शन हो रहा है, उसमें जहाँ तक मेरा एनालिसिस है वो ये है कि शायद यह हंग पार्लियामेंट बनेगी। हंग न भी बने तो भी इमरान खान को अगर कुर्सी पर बैठा दिया जाएगा एक पपेट के तौर पे, तो भी पीछे से मिलिट्री रहेगी। तो ये जानते हुए भी कि ये सरकार जो है, जो भी सरकार बनेगी वो पूर्ण बहुमत की नहीं होगी, उसके पीछे मिलिट्री हमेशा रहेगी, हमारे पास चारा क्या है? हमारे पास चारा ये बातचीत तो हमें करते ही रहना होगा, उसके साथ हम और ज़्यादा कोशिशें बॉर्डर पे भले ही करें वो इसके साथ साथ चलती रहनी चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि देखिए इस मामले में तभी कुछ हो सकता है जबकि या तो कोई बहुत ही दो तिहाई बहुमत या उससे भी ज़्यादा बहुमत से कोई सिविलियन गवर्नमेंट आए जो कि मिलिट्री को अपने ऊपर हावी होने सर, से कौन हावी होने देता? वही था ना त्रिपाठी साहब, अब सबसे पहले का इतिहास देखिए क्या बताता रहा है। यहाँ पर तो थोड़ी सी जुबान, हालांकि साथ काम कर रहे थे फिर भी अलग से हटके भाषा बोली, तो देखिए नवाज शरीफ जेल में है, बाहर आने दी। ये बिल्कुल सिन्हा साहब एक बात बताइए, क्या सब कुछ फिक्स नहीं नजर आ रहा कि यहाँ पर एक मुखौटा भी है, यहाँ पर ISI सीधे तौर पर गवर्न कर रही है, आप यहाँ पर कवरेज नहीं कर सकते, आप यहाँ पर किसी तरीके का ओपिनियन पोल नहीं कर सकते? सर ये व्हाट्सएप चुनाव हो रहा है, क्या हो रहा है? ये तो कठपुतली चुनाव है ना, कह रहे हैं व्हाट्सएप से हम नतीजे बता देंगे, और नतीजे क्या है
शायद क्लाइमेक्स सबको पता है, फिर भी हम लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं कि ये सरकार कुछ आ जाएगी, के कैसे? देखिए सचिन जी, आपने एब्सोल्युटली सही फरमाया, जिस तरह से ये एक एब्सोल्युटली फिक्स्ड है, ये एब्सोल्युटली वहां पर ये ISI और आर्मी की रिग्ड इलेक्शन है। देखिए इसका ताना बुना आज नहीं बुना गया है, ताना बाना उन्होंने बुनना शुरू किया था सबसे पहले 2003 में, फिर 2008 में, 2013 में, और अभी पूरी परफेक्ट हो गई है। जो पाकिस्तान आर्मी है, ISI है, उनको ये पता है कि किस तरह से प्रॉक्सी की तरह से किस तरह से देश के ऊपर में हावी रहना है। पहले तो केवल वो विदेश नीति के ऊपर थे, उसके बाद उन्होंने सोचा कि शायद सिक्योरिटी पे भी आ जाए, अब तो वो इकॉनमी में भी जाना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर देखिए चाइना भी पाकिस्तान आर्मी को यूज करता है, अमेरिका भी पाकिस्तान आर्मी को यूज़ कर रहा है उसके इकॉनमी में। आज के दिन में जो इकॉनमी इतनी डेप ट्रैप में चली गई है, और जो CPAC आया है, तो उसमें पाकिस्तान की आर्मी उसमें भी घुसना चाहती है। और जो आपने बोला सबसे बड़ी बात जो होने वाली है वो है कि इसका जो मैनेजर से बताया ताना माना जो उन्होंने बुना था, नवाज शरीफ को किनारे करना, कैसे पपट ये इमरान खान पापेट होंगे, और कैसे, क्योंकि जो मेन चीज है वो पंजाब का मुद्दा है। पंजाब में टोटल सीट 148 है, जो वहां पर मेजोरिटी लेकर आएगा वही, मैं वही कह रहा हूँ ना, ठीक है ललित, मैं आपको ललित को भी इन्वॉल्व करता हूं, ठीक है, ठीक है, पांच सेकंड और देते हैं। देखिए वहां पर क्या होने वाला है, वहां पर जो मेन चीजें हैं कि जैसे त्रिपाठी साहब ने बताया कि हंग आ जाए या कोई आ जाए, जो मेन चीज है पाकिस्तान के अंदर में वोट काटी जाएंगे, जो कि रेडिकलाइज फोर्स आ रहे हैं, जो कट्टर हैं, जो वहां के दहशतगर हैं, जो हाफिज सईद की पार्टी आने वाली है, जो TLP आई है, TLP 550 कैंडिडेट हैं, बिल्कुल वो चीजें आपको जैसे आपने बताया सनावा जी से, आप नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा बड़े खतरे की घंटी है। लेकिन अमित रैना उन सिंपथाइजर का क्या कहेंगे जो कि शेलिंग होती रही लगातार, जो कि उस पाकिस्तान का कहा गया कि डेमोक्रेसी उनसे बात कर लीजिए, पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे तो हल नहीं होगा। लेकिन साहब वो जो आतंकी हाफिज सईद वहां बैठ के धमकियां देता था, उस गवर्नमेंट ने तो अप्रूव ही किया जा रहा है कि वहां पर आतंकियों की गवर्नमेंट आने वाली, आज वो आतंकी हाफिज सईद ही बता रहा था, अब कैसे कश्मीर में उनके सिंपथाइजर कहेंगे कि नहीं पाकिस्तान के परस्त हैं, पाकिस्तान से बात कीजिए। देखिए 70 साल की हिस्ट्री में अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो अगर उस देश को किसी ने चलाया है तो आर्मी ने चलाया है। जितनी भी सरकारों ने हिंदुस्तान से दोस्ती की पहल करी, चाहे वो बेनज़ीर भुट्टो थी राजीव जी के समय में, या नवाज शरीफ ने करी, यहाँ तक कि जियाउल हक ने एक बार शुरू करी थी क्रिकेट डिप्लोमेसी को लेकर, और उन सब का अंजाम ये रहा कि या तो मारे गए या तो सरकार से निकाल दिए गए। और अभी भी नवाज शरीफ जी ने प्रयास किया था थोड़ा बहुत हिंदुस्तान से हाथ मिलाने का, और पाकिस्तान आर्मी को रास नहीं आया, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी इतनी वेल इंटरेस्ट है पूरे सिस्टम में, पूरे एस्टेब्लिशमेंट में, कि उनको बाईपास और या उनको ओवररूल नहीं किया जा सकता। और ये बात शायद कश्मीर में बैठे हमारे साहब बता रहे थे। मैं बीच में आपको रोक रहा हूं अमित रैना, क्योंकि मैं पाकिस्तान से भी थ्रू हो चुका हूं। माहिद अली को पहले आवाज नहीं जा रही थी, काफी सीनियर वहां के पत्रकार है, काफी सीनियर जर्नलिस्ट है। माहिद अली वोट डाल दिया होगा, पहले मैं आपसे ये सवाल कर रहा था, क्योंकि वोटिंग चल रही है, आपने भी आज वोट डाला होगा सर? जी हां, देखिए बहुत बढ़िया सर, पता है क्या आज एक कहावत चल रही है कि वोट डालते चाहे नहीं डालते, क्योंकि स्क्रिप्ट फिक्स है, इमरान तो PM बन ही जाएंगे। देखिए जी हाँ, बात तो ये चल रही है काफ़ी अरसे से, और कुछ हालात भी इस तरह के बने, इलेक्शन से पहले भी बने, मतलब पिछले एक साल से ये चीज़ सामने आ रही थी। मुस्लिम लीग नवाज को टारगेट किया गया लगता है, एक जुडिशल उनका एहतसाब किया गया, और अब वो दोनों बाप बेटी को भी अंदर किया हुआ है, एक तो उजरा भी जेल में है, तो मामला तो कुछ इस तरह लगता है कि कुछ चाह रहे हैं कि PTI को या और कोई इक्वेशन पूरी करना चाह रहे हैं सम हाउ एस्टेब्लिशमेंट। मगर मेरा ख्याल है कि जिस तरह मैं अपने मेरे जो बाकी साथी आपके साथ बात कर रहे हैं कि फ़ौज का हावी होना या ना हावी होना, मेरा ख्याल है कि ये दिन अब कम हो जाएंगे इस चीज़ में, क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें फ़ौज को अपनी जो सोच है या जो तरीका है उसमें तब्दीली लानी पड़ेगी। नहीं, लेकिन सर वो क्या वो समझा जा रहा है, वो तरीका क्या वो समझ में आ रहा है मुझे? माहिद अली मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, मुझे एक बात बताइए, अगर समझ में आ रहा होता तो वहाँ पर अगर जो इतने बड़े जस्टिस हैं शौकत चौधरी उन्हें समझ में आ रहा है, और जो बाकी पॉलिटिकल कमेंटेटर है उन्हें समझ में आ रहा है, मयाद अली जैसा इतना बड़ा जर्नलिस्ट है अगर उसे भी नैरेटिव समझ में आ रहा है, और यहाँ पर यह भी समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान की माली हालात खराब हैं, पाकिस्तान और ज़्यादा बर्डन अफोर्ड नहीं कर सकता, CPAC के चेक जो है वहाँ पर बाउंस हो रहे हैं, लेकिन इतने हज़ार करोड़ करके अगर डेमोक्रेसी की मौकरी होगी तो वो भी
भी पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता था ना सर, और आईएसआई का इन्वॉल्वमेंट ये भी साफ है, लेकिन एजेंडा तो वहां नजर आ रहा है। आपको लगता है कि इंटरनेशनली एक बहुत बड़ा ब्लंडर करने जा रहा है यहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी? मैं वही अर्ज आपसे करना चाह रहा था, वो आपने मुझे बात पूरी करनी नहीं दी। देखिए, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग थे, अभी रशिया आया, चाइना आया, ईरान आया, इंडिया भी वहाँ हैं, हम भी वहाँ हैं, और वो बात करके गए पाकिस्तान में। तो जाहिर है हम, मैं तो कम से कम एक बिंग सीनियर जर्नलिस्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमारा नैरेटिव चेंज होगा इस पूरी रीजन के हवाले से, बिकॉज सारा मसला इकोनॉमिक है। ये मसला जंगों का नहीं है, ये मसला लड़ाइयों का अब नहीं हो सकता, या ये इसको डिक्टेट नहीं किया जा सकता। नयाद अली, बहुत अच्छी लगती है ये बातें सुनने में। अगर हाफिज सईद की तस्वीर ना आई होती, वो वहाँ पर वोट ना डाल रहा होता। बहुत अच्छी लगती है ये बातें सुनने में। ललित अंबरदार, वहाँ पर हाफिज सईद जिसने 26/11 खुद कन्फेस करता है, खुद बोलता है, जिसने करवाया, कसाब भेजा, वो वहाँ पर खुलेआम अगर घूमता है, और उसके ट्रायल के लिए वहाँ की कोर्ट्स कहते हैं, देखिए तमाम अमेरिका से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज कहती है मुंबई का ट्रायल जल्दी करो, लेकिन कौन नहीं जल्दी करने देता? आईएसआई नहीं जल्दी करने देता। आज वो अगर खुले में घूमता है, अपने आतंकी अपने नाम से रजिस्टर नहीं है, अपनी पार्टी किसी और पार्टी से रजिस्टर करवा के चुनाव लड़ता है, वो संसद में अगर आतंकी पहुंच जाएंगे तो ललित अंबरदार तो किस तरीके से, मायद अली जैसे पत्रकार जब भरोसा जता रहे हैं, उस भरोसे में आपको विश्वास होता है? ललित अंबरदार, वापस आता हूं मायद अली। मैं मायद अली साहब के साथ सिंपथाइज करता हूं, अच्छे विचार रखते हैं, लेकिन काश ये हकीकत होती, क्योंकि पाकिस्तान की बुनियाद, आप जैसे डेमोक्रेसी और इलेक्शंस की बात करते हैं, हम उस इस नज़रिए से देखते हैं हमारे यहाँ किस प्रकार से डेमोक्रेसी या किस प्रकार से इलेक्शंस होते हैं। पाकिस्तान ऐसा नहीं है, पाकिस्तान एक मिलिट्री स्टेट है, और आपको ये जानना पड़ेगा 1947 पाकिस्तान की बुनियाद किस बुनियाद पर बनी थी, किस किस एम पर बने थे। ये टू नेशन थ्योरी, टू नेशन थ्योरी का मतलब क्या है कि इस्लाम एक कौम है, मुसलमान एक कौम है जो किसी और के साथ नहीं रह सकती। तो जो शुरुआती साल थे वहाँ पाकिस्तान के, वो इसी जदोजहद में लगे रहे कि क्या हम कहाँ जाएं, और अल्टीमेटली ये डिसाइड हो गया जो जो वहाँ पे जो हालात बने कि आर्मी ने सारा पाकिस्तान, पाकिस्तान के सारे सिस्टम्स, पाकिस्तान की सारी गवर्नेंस अपने हाथ में ली, और अभी तक यही सिलसिला चलता रहा। और यही वजह है कि 70 साल में सिर्फ दूसरी बार एक सो कॉल्ड सिविलियन टू सिविलियन ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन ये मान के चलिए, जियाउल हक जब हम कहते हैं कि वो हमारे साथ दोस्ती कर रहे थे, नहीं दोस्ती कर रहे थे, उस वक्त तो पाकिस्तान की आर्मी को इस्लामाइज कर रहे थे। आज जो पाकिस्तान की आर्मी एक 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 एक, 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 एक इस्लामिस्ट आर्मी के रूप में देखी जाती है, उसकी बुनियाद जियाउल हक ने रखी थी। दूसरी बात, जितने भी प्रधानमंत्री आए, कोई भारत के साथ दोस्ती नहीं करना चाहता था। जियाउल, ये जुल्फिकार अली भुट्टो, क्या था उनका नारा, जो हिंदुस्तान के ऊपर 1000 कट करके हिंदुस्तान को 1000 साल तक लड़ा के रखे, हिंदुस्तान को ब्लीड करना, ये जुल्फिकार अली भुट्टो का नारा था। बेनजीर भुट्टो 1990 के दशक में जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बनी, उसके वीडियो देख लीजिए, उन्होंने इस्लाम के हर किसी पैगंबर, हर किसी मैथोलॉजिकल फिगर का नाम लेके कश्मीर के मुसलमानों को उकसाया और भड़काया, और हिंदुस्तान के खिलाफ उनको उकसाया, और पाकिस्तान टेलीविजन ऑफिशियली एज ए प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर होते हुए। तीसरी बात, ये जो अभी नवाज शरीफ, हम कहते हैं कि वो हमसे दोस्ती करना चाहते हैं, कल कारगिल के हमारी कमेमोरेट कर रहे हैं, कारगिल विजय, कारगिल जंग के बारे में, क्या ये नहीं जानते हम लोग कि उनको मालूम था? उनको भी मालूम था जब भारत के प्रधानमंत्री वाजपेयी जी वहां पे थे, उसकी बुनियाद वहीं जड़ी जा रही थी। के सिना कुछ ऐड करना चाहते हैं, एक सेकंड, के सिना कुछ ऐड करना चाहते हैं, मैं वापस आपको पर चर्चा में लाऊंगा, फिर उसके बाद त्रिपाठी जी, मायदाली आपके वापस आऊंगा। के सिना, सचिन जी, हम समीक्षा कर रहे हैं रिजल्ट के एक दिन आने से पहले, या जो हमारे पाकिस्तान से गेस्ट आए हुए हैं, यदि उनकी बात को थोड़ा सा हम ध्यान से दें और तवज्जो दें। देखिए, एक सिल्वर लाइनिंग हो सकती है, अब ये सही है जो हम कह रहे हैं, रेटरिक की बातें कर रहे हैं, उसके अंदर में आपको पता है कि हम हर एक बार, चाहे वो नवाज शरीफ हों, चाहे उसके पहले परवेज मुशर्रफ भी जब आगरा आए थे, वो साइन करना चाहते थे, उस समय फोन आ गया उनको राहुल पिंडी से, जेएचक्यू से, कि आप करेंगे तो पाकिस्तान में लैंड नहीं कर सकते। वो वाजपेयी से जब आए थे ना, तो ये बातें हैं। देखिए, पाकिस्तान का एक तबका है, और आपको ये चीज समझना पड़ेगा, 52% आज के दिन में जो वोटर्स हैं वुमेन वोटर्स हैं, और उसमें 17 लाख जो लोग हैं वो यंग वोटर्स हैं, यूथ पहली बार वोटिंग कर रहे हैं। तो देखिए, जो ये बातें कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिए, ये कल का रिजल्ट हमें बताएगा, मैं उसका वेट करता हूँ। यदि 1000 कट्टरवादी है, यदि वो हरा दिए गए, यदि नहीं, ठीक है, ये अच्छी बात है, अगर आप एक जगह बातें हो रही है, अभी भी अगर फेथ है आप ये कह रहे हैं, तो ये देखिए, कल मैं बोलूंगा, एब्सोल्युटली नहीं है, फिर भी मायदली, ये देखिए अच्छी बात है कि अगर आप यहां पर मुफ्ती दो करके ये फेथ है, मैं नहीं, एक बार मैं फिर से पाकिस्तान का रुख कर लेता हूं। नहीं बिल्कुल, ये तो देखिए, ये तो दोनों देशों के लिए अच्छा है ना, अदरवाइज पाकिस्तान व्यर्थ में चला जाएगा।
अली जी देखिए, यदि आपकी बात सही हो जाए, सारे के सारे दहशतगर्द जो है 1000 कैंडिडेट हार जाएं। मैं एक बार अनंत मलिक को प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक है सुन, ठीक है आप, कल बहुत इंटरेस्टिंग दिन है पाकिस्तान के लिए, उसके हिस्ट्री का दिन है। ठीक है अमित रैना, मैं आता हूं आपके पास। मायद अली, आपका जो फेथ रिस्टोर अभी भी है, मुझे लगता है कि एक बड़ा पाकिस्तानी जो कि कहीं ना कहीं शांति चाहता है, जो नहीं चाहता है कि कम से कम उसकी लैंड डिस्टोर्ट हो, उसकी लैंड ये वो किसी और दूसरे की लैंड में भी कम से कम दखलंदाजी ना करे, वो चाहेगा कि कल जो होने वाला है वो शायद ना हो, इस कारण से आपकी भी ये उम्मीद है। आपको लगता है कि क्या वो स्ट्रेचर है या फिर वो स्ट्रेचर किसी ऐसे नेता का होगा जो कम से कम उन एक्शंस को, उन फोन कॉल्स को नो कह पाएगा जो दहशतगर्दी की तरफ से आएंगे, जो फौज की तरफ से आए या ISI की तरफ से आए या फिर आतंकी हाफिज सईद, तो आज उनके साथ खड़ा एक्सपोज कर रहा था सर जब वो अंगूठा दिखा रहा था। मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूं जी। दो खतरनाक चीजें हुई हैं, एक लबैक या रसूलुल्लाह जो पिछले साल खड़ी की गई और एक अल्लाह रिजवी और कादरी, बिल्कुल मानता हूं जी हां, रिजवी और कादरी की बात करिए और उसको हराना पड़ेगा। जी हां मैं मुझे बात पूरी करनी थी आपकी, मगर मैं आपसे एक और बात करना चाहता हूं कि मैं हालांकि मैं इमरान खान जिस तरीके से लाने की कोशिश की जा रही है मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, मगर मैं एक बात जरूर जानता हूं कि इमरान खान की जो अपनी बेस है, सपोर्ट है, जो उनके पीछे लोग हैं वो बड़े लिबरल हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं, और जो नवाज के पीछे लोग भी हैं वो भी बड़े डेडिकेटेड हैं और वो भी कोई लड़ाई जंग नहीं चाहते। चाहे ऐसा ही हो, रिजल्ट ऐसा ही आए, हम वेट कर रहे हैं इसके, इमरान खान अब पूरा भारत वेट कर रहा है इसके लिए। ललित जी मैं आपको बीच में लूंगा, पाकिस्तान को अच्छी तरह पकड़ते हैं, अमित रैना के लिए वेट कर रहे हैं। अमित रैना 20 सेकंड कुछ इस पर रिएक्ट करना चाहते हैं। अमित रैना जो कि कश्मीरी पंडित हैं सर, कश्मीर से निकाले गए थे, कश्मीर की उन फैमिली से निकाले गए थे जिस वक्त वहां पर पूरा कश्मीरीकरण हुआ था, पाकिस्तान ने दखलंदाजी की थी कश्मीर परस्ती में, और उस वक्त देखिए जब ये हुआ था, ये भी एक विक्टिम है। ये 20 सेकंड में कुछ ऐड करना चाहते हैं, फिर उसके बाद ललित, फिर मैं पाकिस्तान भी लेकर चलूंगा। त्रिपाठी साहब आपके पास आ रहा हूं, ठीक है अमित रैना 20 सेकंड। देखिए हम अगर इमरान खान प्रधानमंत्री बनते हैं तो शायद हम एक कदम और जम की ओर जाते हैं, क्योंकि इमरान खान का सपोर्ट बेस क्या रहा है, तालिबान रहा है, हार्डलाइनर रहे हैं, और उनको पाकिस्तान में तालिबान खान कहा जाता है, पाकिस्तान की मीडिया उनको तालिबान खान कहती है, हिंदुस्तान नहीं कहता है। तो ऐसे हार्डलाइनर अगर प्रधानमंत्री बनते हैं जो हार्डलाइनर के साथ उठते बैठते हैं, लिबरल व्यूज छोड़ चुके हैं इमरान खान, तो ये ना तो वहां की माइनॉरिटीज के लिए, तो पाकिस्तान नहीं, और नहीं ठीक है इसमें अमित रैना कहना कि ये भी देखना पड़ेगा ना कि पूरा उनका एजेंडा क्या रहा, एजेंडे में मोदी रहा, एजेंडे में क्या रहा कि देखिए कश्मीर रहा, एजेंडे में कहा एंटी इंडिया, वो सब बातें जो कि भाजपा की तरफ से आती है, वो सब बातें जो ISI की तरफ से आती है, वो सब स्टेटमेंट जो फौज की तरफ से आती है। अनस मलिक इस वक्त हमारे साथ, हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान से, अनस मलिक हमारे साथ यहाँ पर, एक और वरिष्ठ, एक और सीनियर जर्नलिस्ट है, सीनियर साफी है जो कि पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। जब मैंने उनसे ये पूछा कि वोट डालते या नहीं डालते, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव तो फिक्स है, कहीं ना कहीं ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन है, तो उन्होंने भी कहा कि हाँ इस तरह की बातें तो हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि किस तरह की वहां पाकिस्तान की आवाम में सर ये बातें हैं, पाकिस्तान की आवाम में क्या यह हवा है? नहीं, पाकिस्तान की आवाम के अंदर इस बार वो इलेक्शन के लिए जो हमने सुबह से देखा, हम सुबह 8 बजे से निकले हुए हैं, लगभग 7 बजे से निकले हुए हैं, तो पाकिस्तान की आवाम में इस बार तो गुज़िश्ता 2013 के इलेक्शन के मुकाबले में इस बार ज़्यादा जज्बा दिख रहा है। हमने बूढ़े भी देखे हैं, जवान भी देखे हैं, ख़वातीन औरतें इस बार बड़ी तादाद में बाहर निकली हैं वोट देने के लिए, जो कि सिग्निफिकेंट है काफ़ी ज़्यादा। बज़ाहिर तो ये इलेक्शन है, अंदरूनी तौर पे इसको आप सिलेक्शन ज़रूर कह सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ें की गई हैं इलेक्शन से पहले, जो कि प्री पोल रिगिंग के ज़िम्मे में आते हैं, वो चीज़ आप बिल्कुल सिलेक्शन, लेकिन आज जो हो रहा है मेरे अकब में भी अगर आप देख सकते हैं तो काफ़ी बड़ी तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं। आपसे लगभग 10 मिनट के अंदर वोटिंग ख़त्म होने वाली है, वोटिंग का वक्त बाकायदा तौर पर ख़त्म होने वाला है, लेकिन काफ़ी बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पे अच्छा, लोग मौजूद हैं। इससे पहले कि आपका सिग्नल जाए, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि किस तरह का नैरेटिव सेट किया जा रहा है, पाकिस्तान की जनता इस पर क्या सोचती है कि एक तरफ आप अपने इश्यूज़ की बजाय, अपनी जो लोड शेडिंग तमाम बातें करते हैं उसकी बजाय इंडिया का इशू बनाते हैं, इंडिया के यहाँ पर आप कश्मीर का इशू बनाते हैं, एंटी इंडिया कैंपेन करते हैं, दूसरी तरफ आप यहां पर इशू बनाते हैं कि आप खुद देख सकते हैं कि कैसे ट्रंप और अमेरिकी एजेंसीज तमाम तरीके की रिपोर्ट्स देते हैं, और आतंकी हाफिज सईद सब जानते हैं कैसी वो तहरीक है, और वो खुलेआम घूम करके अगर वोटिंग के अपने राइट्स का मुजाहरा कर रहा है, तो अगर वो संसद तक पहुंच जाएंगे उसके लोग, तो आम पाकिस्तानी कैसे सेफ होगा सर? इंडिया की तो बात बाद में छोड़ेंगे।
सचिन, आपकी बात जहाँ पे आपकी बात से मुत्तफिक करता है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। जो हाफिज सईद जैसे एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पाकिस्तान में, वो आउट नंबर्ड हैं, बड़ी छोटी तादाद है उनकी, और वो गीटोज में हैं, वो मेजॉरिटी के अंदर नहीं है। इस बार भी अगर हमने कैंपेन को फोकस किया 2008 के मुकाबले में 2013 और 2013 के मुकाबले में 2018 की कैंपेन जो है वो निस्बतन बेहतर रही। इसमें एंटी इंडिया सेंटिमेंट को एक स्पेसिफिक जमात की जानिब से एक नई करने की कोशिश की गई, और वहाँ पर भी अभी भी उनकी अपनी सीट ही सिक्योर नहीं है। और जो हाफिज सईद के जो बेटे हैं तलहा सईद NA 91 से जो कंटेस्ट कर रहे हैं, उनकी अपनी सीट भी वहाँ से सिक्योर नहीं है। तो ये बाय एंड लार्ज ये एक जमानत होती है कि पाकिस्तान के जो आवाम हैं दे आर वाइब्रेंट इनफ टू रेजिस्ट दीज एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स, वो प्रोग्रेस करना चाहते हैं। एक बात इमरान खान, ठीक है, एक 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 सवाल आपसे या फॉर दैट मैटर एक 20 सेकंड का सवाल यहां से, फिर अनस एक 20 सेकंड का सवाल यहां से, फिर उसके बाद मैं चर्चा वापस अपने स्टूडियो में लेकर आऊंगा। हाफिज सईद और टीएलपी को खड़ा किया गया है आईएसआई ने कि पंजाब प्रांत के अंदर में जो वोट काटे जाएं पीएमएलएन का, उसके लिए इनको खड़ा किया गया। 1000 कैंडिडेट हैं, और आपको भी पता है, देखिए वो कोई नहीं जीतेगा, सबको पता है कि ना तो उनका बेटा जीतेगा ना तो उनका सन इन लॉ जीतेगा, जो आप बता रहे हैं, पर वोट तो काटे जाएंगे पीएमएलएन का। आप, और यही है फिक्सिंग जो बात कर रहे हैं सचिन, फिक्सिंग यही है आपको, ये क्योंकि देखिए इमरान खान का कहीं नहीं मौजूद अंदर, इनके जो चाहने वाले वो गीटोस के अंदर हैं। जी हाँ, इनका चैनल की, ठीक है अनस, मैं आपके बाद भी वापस आऊंगा, ठीक है अनस, मैं आपके पास वापस आऊंगा। आप शाहनवाज हुसैन साहब, इससे ज्यादा नैरेटिव या इससे ज्यादा क्लियर सिग्नल हो नहीं सकता था। अब ये देखिए पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने भी कह दिया कि हाँ शको शुबा तो है, अब कोई खुले तौर पर तो कह नहीं देगा, देखिए आईएसआई की सरकार बन रही, आतंकी यहां करके बैठेंगे, समझदार को इशारा काफी होता है। अनस वहां पर ग्राउंड पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, यहां पर इलेक्शन नहीं है सिलेक्शन है, किसकी उम्मीद रखेंगे सर, तैयार तो हमें ही होना पड़ेगा। देखिए आपने तो देखा होगा कि कई जगह अरब में इस तरह की डेमोक्रेसी होती थी कि कर्नल गद्दाफी खड़े होते थे और वोटिंग होती थी, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर भी आते थे और 98% वोट ले जाते थे, वैसे हुस्नी मुबारक ले जाते थे। आईएसआई ने और पाकिस्तान की आर्मी ने इसी तरह का फार्मूला अपना लिया है, दिखाने के लिए चुनाव है, इलेक्शन नहीं सिलेक्शन है, पहले ही कहा, तो उन लोगों ने पहले ही माहौल बना लिया है कि किसी भी तरह किसी भी शर्त पर एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाना है जो पीटीआई से हैं इमरान खान, उनको बनाना है। और पाकिस्तान की आवाम जो वोट डालने गई है उसके अंदर डर पैदा करने के लिए आर्मी बूथ पर खड़ी है। हम लोग भी जानते हैं कि जब चुनाव में कभी आर्मी पहुँच जाए, और वहाँ के लोगों को आर्मी से पाकिस्तानियों को तो डर लगता ही है, तो किस तरह की वोटिंग होगी। हम ये मानते हैं कि वहाँ डेमोक्रेसी ठीक से हो, मैंने पहले कहा कि हम चाहते हैं कि लोकतंत्र दुनिया में कहीं भी ख़त्म नहीं होना चाहिए, लेकिन हाथी के दिखाने वाले दांत हैं पाकिस्तानियों के, ये वो सब कुछ फिक्स करके बैठे हैं, उनके यहाँ जुडिशरी हो, उनके यहाँ इलेक्शन हो, सारा मैच फिक्स रहता है। और ये मैं नहीं कह रहा कि कोई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या इंडिया की तरफ से सिन्हा साहब ने कहा, हम नहीं कह रहे, उनके ही लोग कह रहे हैं, एक उनके तभी तो मैंने कहा ना शानवास साहब, हमको तो फिर ज्यादा तैयार होने की जरूरत है। नहीं ठीक है त्रिपाठी, इलेक्शन कमीशन के त्रिपाठी जी काफी देर से कमेंट करना चाहते हैं, एक सेकंड में वापस आता हूं शानवास साहब, शानवास सर मैं वापस आता हूं, जे के त्रिपाठी दखल नहीं दे सकते। देखिए मैं थोड़ा सा, हम तो यहां से उम्मीद कर सकते हैं माहिद अली साहब और अनंत मलिक साहब की बात पे कमेंट करना चाहूंगा। जैसे माहिद अली साहब ने लिखा कहा है कि एक वो हो रहा है, एक नरेटिव में बदलाव आ रहा है, मैं कहूँगा कि नरेटिव में बदलाव हमारे हिसाब से खराब आ रहा है, अच्छा नहीं आ रहा है। आपने देखा होगा कि तकरीबन एक महीने पहले कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो कि इलेक्शन के फ्रेम में है, किसी ने भी कश्मीर का नाम नहीं लिया था, और बल्कि इमरान खान साहब एक महीना दो महीना पहले कह रहे थे कि मोदी, हाँ बिल्कुल मोदी कह रहे थे, हाँ बाद में जो चेंज आया अब सभी कश्मीर के पीछे पड़े, वो कह रहे हैं हमें सबसे ज्यादा खतरा मोदी से है, मोदी को बचाओ, मोदी को हटाओ, चुनाव वहां हो रहा है, इमरान खान सबसे ज्यादा एंटी इंडिया हैं, उन्होंने नारा दिया हर जगह लगाते रहे, बल्ला घुमाओ भारत भगाओ, ये नारा दिया है उन्होंने।
और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा, त्रिपाठी साहब, ये वही इमरान खान है जो यहाँ पर आते रहे, मेजबानी करते रहे, कंक्लेव का हिस्सा रहे, वही मेजबान है जो बैठ करके बताते रहे कि अगर मैं कभी प्रधानमंत्री बना, ये ऑन रिकॉर्डेड है कि अगर मैं कभी प्रधानमंत्री बना तो आप देखिएगा कैसा पैराडाइम शिफ्ट आएगा। और ये साफ बता रही है कि वो बोल नहीं रहे हैं कि कौन उनसे बुलवा रहा है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे एक पैनलिस्ट ने कहा, एक जर्नलिस्ट ने, कि नहीं ये हाफिज सईद वगैरह हाशिए पे हैं, नेग्लिजेंट हैं, ये घेटो है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर इस घेटो से दो चार लोग भी चुन के आ गए और हंग पार्लियामेंट की स्थिति रही तो इमरान खान को सपोर्ट करके ये प्रधानमंत्री फिदायीन तो एक काफी होता ना, ललित जी, फिदायीन तो एक ही काफी होता ना सर, उसके लिए फौज क्या खड़ी करनी। आप नारों की बात कर रहे थे, इमरान खान का नारा है वहां पे जो बहुत प्रचलित रहा इस इलेक्शन के दौरान, जो मोदी का दोस्त है वो पाकिस्तान का गद्दार है, नवाज शरीफ के बारे में वो हो रहा था। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं हिंदुस्तान के नजरिए से, पता नहीं क्यों हिंदुस्तान के अंदर, जो अभी मैंने पहले जिक्र कर रहा था कि हम पाकिस्तान के इलेक्शन को हमारे इलेक्शन के नजरिए से देख रहे, प्लीज ऐसा मत देखे वहां पे कोई भी आए, जैसे अभी चर्चा हो रही थी हंग पार्लियामेंट होने की भी संभावना है, हो सकता है, जरूर होगा, और वो हंग पार्लियामेंट अगर होगी वो भी एक मैनिपुलेटेड मैनूवर है ताकि लोगों को लगे कि भाई हमने किसी प्रकार का यहां पे इलेक्शन किया, और लेकिन अल्टीमेटली वहां कुर्सी पर वही बैठेगा जो आईएसआई रावलपिंडी हेडक्वार्टर चाहेगी। और दूसरी बात, हिंदुस्तान के नजरिए से हमको देखना चाहिए कि हमारे लिए पाकिस्तान जो एक एबिस की तरफ जाए, एक कुएं की तरफ चलता जा रहा है, वो उसी रास्ते पे है, उसमें आप मत सोचे कि आम सड़क पे जो इलेक्शन गरीब पाकिस्तानी किसी उम्मीद के साथ वोट देने जाता है उसके वोट की वहां पे कोई कदर नहीं है। वोट का डिसीजन रावलपिंडी में होगा सर, वो इकॉनमी जो इतने कर्जे में 20,000 बिल्कुल 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 सर, अभी आप देख लीजिए पाकिस्तान में जो हालत होने वाली है सीपैक की वजह से, जैसे श्रीलंका में वो पोर्ट चाइनीज ने ले लिया है, पाकिस्तान उससे पहले जमीनी तौर से और उनकी प्रॉपर्टीज की तरह से पॉलिटिकल लेवल पे चाइना के कब्जे में आने वाला है, और खतरा उसमें हमको ये देखना पड़ेगा। अमित रैना इंटरव्यू करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले आप दो तीन बातें जो आई, उससे पहले माहिद अली का इस पर कमेंट लेना बहुत जरूरी है। माहिद अली, कई कमेंटेटर मैंने देखे, कई कमेंटेटर ट्विटर पर जो है मेरे साथ भी है और वैसे भी कई यूट्यूब वीडियो आते रहते हैं, वो सीपैक के वक्त शुरू से ही कहते रहे कि भैया गिरवी रख दिया है, हम और ज्यादा गर्क में चले जाएंगे, अब देखिए वहां पर होने लगे हैं चेक बाउंसेस, ये चीजें तो हैं कहीं ना कहीं आपको ग्रिम सिचुएशन में ही आगे लेकर के जा रही है। माहिद अली, देखिए पाकिस्तान के पास सीपैक एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है, इसको इस तरह से नहीं देखना चाहिए, और सीपैक खाली पाकिस्तान के लिए नहीं है, अगर भारत में कहीं बातचीत होती है थोड़ी सी और रूस अगर उसमें इन्वॉल्व होता है तो पूरे रीजन के लिए एक प्रॉस्पेरिटी का वो बन सकता है। गिरवी रखने वाली कौन सी बात है, चाइना के साथ ताल्लुकात आगे इतने ज्यादा थे, अब कौन से उसमें फर्क आ गया, कौन से उन्होंने कब्जे कर लिए, कहाँ आ गए वो, और देखिए जो कुछ मतलब हम पाकिस्तान की आर्मी फरमाइए, मैं आपका जवाब दे सकता हूँ। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मैंने एक बात बार बार कही है कि हमारी जो नई पीढ़ी है वो चाहे इमरान के पीछे है चाहे नवाज के पीछे है, ये जो भी इस्टेब्लिशमेंट करना चाहती है ना, ये बहुत अरसे नहीं आप कर सकते, क्योंकि वहाँ सवाल उठना शुरू हो गए हैं, यहाँ बात होना शुरू हो गई है कि भाई क्या तो दबा दिए जाएंगे ना सर, अब तक क्या रहा है, ब्लड शेडिंग हो जाएगी, दबा दिए जाएंगे, दबा दिए जाएंगे, इससे पहले कितनी देर लगता है इसको अनुच्छेद करने में। एक बात तो आपको ठीक है, नहीं आता हूं मैं, अमित रैना फिर उसके बाद, अमित 20 सेकंड, अमित रैना देखिए एक बात तो माया जी को माननी पड़ेगी कि जो हाल इन्होंने आर्मी ने नवाज शरीफ का किया वो क्लियर वार्निंग है, अगर कल हंग इलेक्शन भी आता है, हंग पार्लियामेंट भी आता है और एक कोलेशन से प्रधानमंत्री बनता है, उसके लिए वार्निंग बड़ी क्लियर है कि डू नॉट एक्सीड द ब्रीफ वी गिव यू, अदरवाइज यू विल फेस द सेम प्रॉब्लम जो नवाज शरीफ के साथ हुई, जो जरदारी के साथ हुई, कि अगर आप अपना ब्रीफ एक्सीड करते हैं, जो हम आपको बोलते हैं उससे ज्यादा कदम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो आपके साथ हाल बुरा होगा, और ये एक बड़ी खतरनाक वार्निंग है आने वाली इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए। मुझे नहीं पता कौन आ रहा है, खबरों के हिसाब से तो इमरान खान आ रहे हैं, तो आर्मी को ज्यादा से ज्यादा ब्रीफ नहीं करनी पड़ा, अगर कोई और आता है तो उनके लिए भी बड़ी क्लियर ब्रीफिंग है कि माहिद अली, लेकिन आप भी तो जर्नलिस्ट रहे ना, मेरे को एक बात बताइए, जहां पर कब कर जाते हैं वो राइट्स की, कोई कवर नहीं करेगा, कोई वहां पर ओपिनियन पोल नहीं होगा, एग्जिट पोल नहीं होगा, व्हाट्सएप, व्हाट्सएप सर
व्हाट्सएप पे सवाल उठता है, व्हाट्सएप पे प्राइवेसी नहीं, व्हाट्सएप से नतीजे दिए जा रहे हैं, सर ये यहाँ पर क्या कर रहा है? ये तो वो वाली बात होगी जिसे पूरे तरीके से कहते हैं कि कि जमहूरियत का दावा कर रहे हैं और देख जमहूरे का खेल देखा जा रहा है, तो उस तरीके की बातें हो रही है। ठीक है सेना साहब, फिर उसके बाद माजदली आऊंगा आपके पास, मैं 20 सेकंड लूंगा आपसे भी। सचिन जी, मेरा जहां तक मेरा अपना विश्लेषण है और मैं जितने दीप पे रहा हूं, देखिए वहां पर हंग पार्लियामेंट आने के ज्यादा चांसेस हैं, और जब वोटों की बात है उसमें पीएलएमएल को 30%, पीटीआई को 27 से 30% भी बोल रहे हैं, पीपीपी को कह रहे हैं 17%, हम हंग है जो बीच में अनडिसाइडेड वोट है वो 12% है, वही डिसाइड करेंगे। और मैं अभी भी कहता हूँ हम लोगों को कल जो रिजल्ट आने वाला है उसका वेट करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर से पहली बार आईएसआई के लिए मुर्दाबाद आवाज उठी है, ये दहशतगर्दी के पीछे बर्दी है, ये भी आवाज रावलपिंडी में, वो भी रावलपिंडी में बताइए, हाँ ये उठी है, तो ये हम कहते हैं सिल्वर लाइनिंग है, और पाकिस्तान की जनता यदि जाग जाए तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, 20 सेकंड नंबरदार साहब, अमरदास साहब 20 सेकंड आपके लिए, फिर उसके बाद शानवास ये जो पाकिस्तान के विशेषक कह रहे थे कि एक आउटलुक चेंज हो रहा है, मैं नहीं समझता हूं कि आउटलुक चेंज हो रहा है। आप देख लीजिए वहां पे 20% आपकी जो 20% शिया पॉपुलेशन है वो बेचारे दहशत में है, क्योंकि कई अभी कैंडिडेट्स खड़ा कर दिए गए हैं जिनको ओपनली स्टेटमेंट्स हैं कि हमें पाकिस्तान की सरजमीन से शियाओं को खत्म करना है। अहमदियाज देखिए उन्होंने बायकॉट कर दिए इलेक्शन, हिंदुओं की हालत देखिए, सिखों की और क्रिश्चियंस की, आपकी जो वो इस्लामाबाद में रिमशा कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां देख लीजिए जो हालत क्या है ईसाइयों की वहां पे। मैं नहीं समझता हूं कि पब्लिक जो एक जो आप कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एक नया आउटलुक आ रहा है, अगर ऐसा नया आउटलुक होता तो ये खबरें पाकिस्तान से नहीं आती कि वहां पे जो दबे हुए तबके हैं, जो औरतें हैं, फॉर एग्जाम्पल इमरान खान औरतों की एम्पावर के खिलाफ है, फेमिनिज्म को वो एक वेस्टर्न फेमिनिज्म बोलते हैं, तो इसलिए मैं नहीं समझता हूं कि इसमें ब्लास्फेमी लॉ का वो समर्थन कर रहे हैं। ठीक, तो जो आउटलुक की बात कर रहे हैं नहीं है शाहनवाज हुसैन साहब, क्योंकि आप पॉलिटिकल पार्टी से हैं, क्योंकि आप सरकार से हैं, शाहनवाज हुसैन साहब, इसलिए आपका मैं ये इसलिए कमेंट ले रहा हूं, बड़े हाइपोथेटिकली सही लेकिन पहले ले रहा हूं। ये देखिए ये तो वहां से भी एग्री हो रहा है ना कि ये पहली हवा चल रही है, वोट दो चना जो यहां पर सिलेक्शन तो पहले से ही फिक्स है, या फिर जिस यूथ की बात कर रहे हैं पाकिस्तान के पत्रकार, उस यूथ का वोट भी कहां से काउंट होगा जब वहां पर बातें इस तरीके की शुरू हो रही है, और क्या वहां पर फ्रेज है, अगर कल को किसी भी चेहरे के रूप में आर्मी गवर्नमेंट आ जाती है, एजेंडा एंटी इंडिया ही रहता है जिस पर चुनाव लड़ा गया है, कोई तो प्लान होगा सर, मैं ये जानना चाह रहा हूं हाइपोथेटिकली सही। देखिए पाकिस्तान के क्रिकेटर हो या वहां की आर्मी हो, मैच फिक्स करने में माहिर है, आपको पता है मैच फिक्सिंग में पाकिस्तान दुनिया में नंबर वन है क्रिकेट में भी, तो इलेक्शन को भी वो फिक्स किए हुए हैं, और ये सही है जो यहाँ पर कोई बहस का ये सवाल नहीं है। मैंने पहले कहा कि वहाँ की आर्मी एक सफ़ेद लबादे को ओढ़कर लोकतंत्र पर कब्ज़ा करना चाहती है, और उसने अपने चेहरे भी बना लिए हैं, उन्होंने कोर्ट के जजमेंट भी बना लिए हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन का एक चोला भी ओढ़ लिया है, और उसी इलेक्शन कमीशन के चोले पर आर्मी बूथ पर पहुंच गई है, और बूथ पर जाकर वो जो बैलेट बॉक्स है वो आर्मी ला रही है, ले जा रही है, वहां पहुंचा रही है, वोट करा रही है। क्या नतीजा होगा वो कल देखा जाएगा, लेकिन पाकिस्तान में कोई भी सरकार आए वहाँ ISI और आर्मी का उस पर असर होता ही है, तो हम उसी तरीके से हैंडल करते हैं पाकिस्तान को। कहीं भी डेमोक्रेसी हो, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि कहीं भी डेमोक्रेसी हो हम उसके पक्ष में रहते हैं, लेकिन ये जो दिखावे की डेमोक्रेसी है नहीं, लेकिन सर उनसे तो निपटिएगा, ठीक है प्लान बना रहे, आज मेरे कश्मीर के दो सेक्रेटरी जुड़ नहीं पाए, नहीं तो मैं उनसे भी पूछ लेता कि जो हर रोज दबाव डाला जाता था कि भैया जरा बात कर लो, आप तो बात कर लेते थे, उसके बाद भी जो शैलिंग मिलती थी, तो उसके बाद भी क्या इसी तरीके से बातों की बातें चलती रहेगी या फिर सिर्फ एक इग्नोर रहेगा? ठीक है सिन्हा साहब 20 सेकंड, फिर उसके बाद में मैयाद अली के पास, ठीक है त्रिपाठी साहब फिर मैं कंक्लूड करूंगा। और मौका देंगे हम पाकिस्तान को, क्योंकि 370,000 पाकिस्तान फौज आज के दिन जब काउंटिंग शुरू हो रहा है आज से आधे घंटे बाद, उसमें यदि रिगिंग नहीं होती है तो मुझे एक किरण दिखती है जो वहां से वहां के स्पीकर बोल रहे हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट अहम दिन है पाकिस्तान के हिस्ट्री में आज की रात, पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए, फ्यूचर के लिए, पाकिस्तान के वजूद के लिए। और मैं फिर बोलता हूं, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि देखिए ये हो, और क्योंकि
पिछले बार भी 13 में उस इमरान खान को ISI सपोर्ट कर रहा था, उसको 33 सीट ही मिली थी, 33। ये चीजें हम लोगों को देखनी चाहिए। रेटरिक में बात करेंगे तो नहीं हम तक जा सकते। मैं आज की रात को बहुत अहम मानता हूं, यदि ये 370,000 फौजी रिगिंग ना करें। मैं एक दो और वक्त दे दूंगा, 20 सेकंड लूंगा, 5 सेकंड लूंगा।8 लाख लोग 10 करोड़ वोटर्स को लुक आफ्टर कर रहे हैं इलेक्शन का, मतलब 100 वोटर पे एक आदमी, आप समझ लीजिए कि इसे क्या लुक आफ्टर किया जा रहा है। दूसरी चीज, मैं छोटी सी चीज ये कहना चाहूंगा, मुझे सबसे बड़ा डर ये है कि अगर कभी ऐसी थंग पार्लियामेंट बनी जिसमें कि ज्यादा कोशिशों के बाद भी, जैसे कि वहां के जर्नलिस्ट कह रहे थे कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लोग नहीं आए, कोई भी हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हो पाई, तो ज्यादा पॉसिबिलिटी इसकी है कि मिलिट्री इसको एक बहाना बना के कू कर ले, जो कि हमेशा इससे पहले होता रहा है। माहिद अली साहब, आप पंजाबी बहुत अच्छे से जानते होंगे, ठीक है, मेरे पास वक्त दरअसल इतना ही है। माहिद अली साहब, आप पंजाबी अच्छे से जानते हैं ना, तो एक पंजाबी का वो गाना है ना, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, आज वो बता ही दीजिए, क्योंकि इससे पहले का हमने इमरान खान कोट किया कि तू नहीं बोल दी तेरा यार बोल दा। मैं नहीं बोल दी, मेरा यार बोल रहा। हाँ नहीं, देखिए बात पता क्या है, मैं मानता हूँ आपकी बात काफी हद तक नजर आ रहा है, समझ आ रहा है, मैं अब साफी हूँ, नजर आता है चीजें, हमें कोर्ट भी जो कर रहा है वो नजर आ रहा है, बाकी भी जो चीजें हो रही है वो भी नजर आ रही हैं। मैं आपसे एक बार बार अर्ज कर रहा हूँ, जो मेरी बात कोई नहीं सुनना चाह रहा और ना समझ रहा है उस बात को, कि आप लोग इमरान खान को तालिबान खान कह सकते हैं, मगर जो उसके पीछे सपोर्ट है ना, वो बड़ा मॉडर्न लिबरल तबका है, एक चीज, हालांकि मैं उसका सपोर्टर नहीं हूँ। दूसरी बात यह है कि जो नवाज शरीफ के पीछे लोग हैं वो कलेक्टिवली चुप करके लड़े हैं, क्योंकि उनको अप्रेस किया गया है कुछ अरसे में, और मैंने आज वहाँ जज्बा देखा उन लोगों का कि वो खामोश थे मगर वो लड़ रहे थे। उम्मीद करते हैं माहिद अली आपकी बात ठीक हो, उम्मीद करते हैं कि आपका ये फेथ अगर रिस्टोर है, आपके जैसे अगर पाकिस्तानी वेल इंटेंशन है तो वो वहां पर रहे, उम्मीद करते हैं। एक बात कहना चाहूंगा सचिन जी, एक बात कहना चाहूंगा, सिर्फ एक बात, सरकार पाकिस्तान में कोई भी आए मगर कश्मीर बैक बर्नर में पाकिस्तान नहीं जाने वाला है, तो भारत की सरकार को अपना कश्मीर पॉलिसी अब क्लियर कर लेनी चाहिए, ठीक है, और ये पाकिस्तान को भी क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। माहिद अली, उम्मीद ये करते हैं कि आप जो सोच रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं ठीक होगा, क्योंकि आपकी इंटेंशन ठीक है।